हेलो मेरे फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का स्टोरेज टैंक का बॉटम प्लेट का मार्किंग कैसे करते हैं इस तरीका का रेडियस में। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह ये जो टैंक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये टैंक हो गया और इसमें आपको इस तरीका का जो टैंक में ये साइड साइड में जो हम प्लेट लगाते हैं तो उसको रेडियस में कटिंग करना पड़ता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये बॉटम प्लेट का मैं एक ड्राइंग बना दिया हूँ जिसमें ये प्लेट जो है साइड साइड में इसका रेडियस मार्किंग कैसे करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हर प्लेट का यहाँ पे नंबर मैं लिख दिया हूँ 1, 2, 3, 4। ये प्लेट में आपको ये सब जो डायमेंशन जो लिखा हुआ है ये सब इतना आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्लेट का कितना डायमेंशन है, यहाँ का कितना डायमेंशन है, इसका कितना डायमेंशन है, ये प्लेट का डायमेंशन, बाकी रेडियस कटिंग करने का यह सब फॉर्मूला इसमें बता दिया गया है। और इसका जो टैंक का जो ओडी है 410 mm ओडी रहेगा, फुल ओडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टैंक का रेडियस डायमेंशन 205 mm है, उसी के हिसाब से इसमें कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं ये प्लेट वन का ड्राइंग बनाया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका स्क्वायर प्लेट रहेगा जब ये, तो वहाँ कितना यहाँ पर मार्किंग करना है, ये जो सबसे फर्स्ट वाला ये जो डायमेंशन है ये बीच में जो है इसको मिडिल ऑर्डिनेट लेंथ बोलते हैं, तो ये कितने आपको मार्किंग करना है उसका फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ पे सेंटर लाइन बढ़ाने के लिए भी फॉर्मूला बताया गया है और हर सेंटर लाइन का डिग्री निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में ये सब फॉर्मूला बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद दो नंबर प्लेट जब आपको मार्किंग करना होगा तो इस तरीका से आपका ये प्लेट रहेगा और इधर का एक डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए और इधर का एक डायमेंशन, और ये प्लेट का चौड़ाई हो गया और वहाँ से आपको इस तरीके से सीधा लाइनिंग खींच देना है। और यहाँ का ऑर्डिनेट लेंथ जो है ये 6 mm जो है कैसे आया, 6 mm, तो यहाँ नीचे में कैलकुलेशन करके दिखा दिया गया है कि 6 mm कैसे आया। इसका रेडियस डायमेंशन 205 रहेगा। यहाँ पे ये जो मेन लाइनिंग जो खींचा गया है इस लाइन को दो से डिवाइड यहाँ पे कर दिया गया, जैसे कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक आपको लाइन का मेजरमेंट ले लेना है और उसे दो से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन का डायमेंशन 99 है, उसको दो से डिवाइड करके यहाँ पे 49 यहाँ पे लिख दिया गया है। और इस टैंक का रेडियस डायमेंशन आपको यहाँ तक आएगा, तो वो टैंक का रेडियस डायमेंशन यहाँ पे लिया गया है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन किया गया यहाँ पे बता दिया गया है। और ये तीनों में जितना ये फार्मूला बताया गया सब सेम ही फार्मूला है, सिर्फ तरीका अलग अलग है मार्किंग करने का। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सबसे साइड वाला जो प्लेट आएगा तो इस तरीका से ये प्लेट का आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए 72, और इस तरीका का यहाँ पे ये जो लंबा डायमेंशन है इसका 114 mm है। उस तरीका से यहाँ पे क्रॉस सेम वैसे ही मार्किंग करना है। और ये बीच में जो 11 डायमेंशन कैसे आया, 10 कैसे आया, 7 कैसे आया, 4 कैसे आया, ये सब डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सब डायमेंशन कैसे निकालना है, एक लाइन से दूसरे लाइन का दूरी कैसे निकालना है, कितनी दूरी पर रहेगा, हर एक लाइन का डिग्री निकाल लेना है सेंटर लाइन बढ़ाने के लिए, और इस तरीका से रेडियस मार्किंग करना है, तो इसलिए हमें ये हर लाइन का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो ये सबका कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे में बता दिया गया है, सबका सेम ही फार्मूला है, जैसे हम 1 नंबर का यूज किए फार्मूला सेम वही है ये साइड वाला। अगर इसमें आपको पूरा समझ में नहीं आए तो आप यह वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो का लिंक भी है कि कैसे मार्किंग मैं करके दिखाया हूँ, उसी तरीका से आपको मार्किंग कर लेना है। हो सकता है पाइपिंग में कोई सपोर्टिंग वगैरह में इस तरीका का लगाना पड़ जाए, आपको रेडियस मार्किंग करना पड़ जाए, कहीं भी सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जानकारी रहना चाहिए इस तरीका का, तो आप बिल्कुल आसानी से मार्किंग कर पाएंगे इस तरीका का रेडियस प्लेट का मार्किंग फार्मूला के जरिए। आप गूगल में सर्च करेंगे fabricatorguide.com तो आपको वेबसाइट हमारा मिल जाएगा, और ये जो पोस्ट है मैं इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं यह पोस्ट को देखने के लिए। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।